तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। मेरे आदमियों के सामने सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें 5 गिनने तक का टाइम देती हूँ। गिनती जाओ बेबी, जहाँ तक गिनना आता है। बिल्लियों के घुर्राने से शेर काबू में नहीं आते। जाओ जाकर कह दो अपने टांग से कि सिराम करने के लिए मेजर कृष्ण राव के साथ धर्म सिंह भी आया है। हिंदुस्तानी फौजों से वाबस्ता है कि वो सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं करती,
पड़ के सारी दुनिया को दिखला सकती है कि जब जब कोई डॉन जैसा कमीना अपने नापाक इरादों के लिए आतंकवाद की तलवार लेकर हिंदुस्तान में तहलका मचाएगा, तो हिंदुस्तानी सिपाही भी उसके मुल्क में जाकर उसके तहलके का जवाब उसी तहलके से देंगे। ठीक है कमांडर, तुम इन सब को लेकर इस वैली में उतरो, तब तक इन सिपाहियों को मैं अंदर आने से रोकता हूँ। कमांडर भी कहते हो मेजर, और उल्टी रीत भी सिखाते हो। भूल गए कि कमांडर खतरे की जगह से पहले अपने साथियों को बाहर निकालता है और उनके बाद वो खुद निकलता है। लेकिन हम आपको इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? माना कि किस्मत ने हरा दिया है दोस्त, पर इतने तो गुनहगार नहीं हम। मरे एक सिपाही की मौत, क्या इसके भी हकदार नहीं हम? आज से अपनी इस छोटी सी सेना का कमांडर मैं तुम्हें मुकर्रर करता हूं मेजर। मेरे दोस्त, मेरा ये मिशन अब से तुम्हारा मिशन है, तुम्हारा। डॉन ने मुझे जो चैलेंज दिया है उसे अब तुम्हें पूरा करना है, तुम्हें। डॉन के आगे ये बाप भले ही शर्मिंदा हो जाए, लेकिन ये सिपाही शर्मिंदा ना होने पाए। मेजर कृष्णा, मैं एक सिपाही शर्मिंदा होगा और मैं एक बाप, और साथ ही अब आपकी बेटी काली को साथ ले जाना नहीं भूलेंगे, ये बात रहा। जाएंगे सर, आई से ब्लास्ट।